एक ओर जम्मू कश्मीर में हलचल तो दूसरी ओर पंजाब में सियासी घमासान। पंजाब में विधानसभा चुनाव है अगले साल और उससे पहले सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। दिनों दिन पार्टी में गुटबाजी बढ़ती जा रही है। कैप्टन वर्सेज सिद्धू के बीच ये जंग है। पंजाब में कैप्टन बनाम सिद्धू टकराव के बीच पंजाब कांग्रेस विधायक राजकुमार विरका ने पार्टी में गुटबाजी का बचाव किया है। सीएम कैप्टन के दिल्ली में पंजाब समन्वय कमेटी में पेशी के बीच राजकुमार विरका ने संगठन और सरकार में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि तमाम मसले जल्द सुलझेंगे। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, राजकुमार विरका जी, उनसे बात करते हैं। उठा पटक चल रही है पंजाब में खास तौर से, और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर दिल्ली में है। नाराजगी बनी हुई है खास तौर से, उनको तलब किया जा रहा है, चुनावी वक्त है और ऐसे में लगातार उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है। अरे भैया, पहली बात तो यह है कि अभी 7-8 महीने पड़े हैं, और जहाँ तक सवाल इस बात का है कि कांग्रेस हाईकमान 2022 की तैयारी में सब लोगों को बात सुन रहा है कि क्या हम में से कमियां रह गई है या हमारे क्या गुड पॉइंट है लोगों के बीच लेके जाने के लिए, और यहाँ सवाल इस बात का है कि कई लोगों के आपसी शिकवे शिकायतें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम सब कांग्रेस हाईकमान के MLA हैं और हम सब कांग्रेस हाईकमान के साथ हैं, और कांग्रेस हाईकमान ने सबको सुनने के लिए जो है वो सारी एक्सरसाइज कर ली है, सारी सरकार का रिव्यू किया है, कांग्रेस पार्टी का रिव्यू हो गया है, और अब नई ताज़ा पार्टी को तैयार करके सरकार में कुछ तब्दीलियां ला करके 2022 का मंत्र फूंक करके वो सब लोगों को पंजाब में भेजना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए हेल्दी बातें हैं कि अब 2022 का जो इलेक्शन सर पे है उसके लिए ये एक जो भी हमारी कमियां हैं हम ठीक करके अपनी खूबियों को एक साथ जो है लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन कैप्टन साहब और नवजोत सिंह सिद्धू, वो जो अदावत है वो खुलकर दिखाई दे रही है और सिद्धू ने बयान भी दिए हैं, आपको नहीं लगता है नुकसान पहुंचा रही हैं और इसलिए कैप्टन साहब नाराज़ हैं? देखिए, हर चीज़ का संज्ञान हाईकमान ने लिया हुआ है और हर बात की इन्फॉर्मेशन हाईकमान के पास है, और हाईकमान इन सब बातों का सलूशन निकालेगा, इसलिए तो सब मीटिंगें हो रही हैं ना कि ये कुछ बातें सामने आई है जिसके सलूशन के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है ना। लेकिन मैंने आपको कहा, हम जितने भी करीब 80 के करीब MLA हैं, हम सब कांग्रेस के MLA हैं, हम सब कांग्रेस हाईकमान के साथ हैं, और अगर कुछ मान भी लिया जाए कि या 80 में से या 1-2-4 लोगों के कुछ मन मटाव भी होंगे तो उन सबको दूर किया जाएगा, और जितने भी सब लोग होंगे सब लोग मिलके एक साथ हम चलेंगे। जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है पंजाब की राजनीति में, खास तौर से जो उठा पटक है उसका बचाव कर रहे थे राजकुमार विरका। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।